नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। ठीक है, रेडियस जो है उसकी वेरिएबल कर रही है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। ओके, तो लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। क्लियर है यहां तक? ओके ओके ओके, अब ध्यान देना थोड़ा सा। अब क्या कह रहा हूं मैं, अब यहां पर हम वॉल्यूम लिखते हैं। ओके, तो v इक्वल्स टू 4/3 πr³ हो जाएगा, और इसका अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ v निकालू यानी dv/dt, तो 4/3 π तो कांस्टेंट, 3r² और dr/dt। एक सेकंड, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू इस रेडियस। फिर से गड़बड़ कर दी, विथ रेस्पेक्ट टू r बोल रहा है ना, तो फिर इसको t की जगह क्या कर दो, r कर दो। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा यहाँ dr/dt नहीं निकलेगा, बस ये चेंज होगा ना। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ओनली 4πr² बचा। अब देखना क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर रेडियस 10 हो यानी dv/dt की रेडियस अगर 10 हो तो 4π10² 400 π आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 π आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर हैंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट रेट 400 π, और ये किसके अंदर है, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर। एक सेकंड, ये टी नहीं होगा, आर होगा नीचे। यहां भी आर करो, यहां भी आर करो यार, ये आर है, ये आर है और ये आर है ना। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट रेट 400 π cm³ और फिर डिवाइड में कितना आएगा, सेंटीमीटर। ये यूनिट से आप इसको काट के स्क्वायर भी कर सकते हो, बाकी चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आंसर आपका।